Hello everyone. So in this video, we'll be discussing the in-text question answers of page 24 of the chapter, Is Matter Around Us Pure? So the very first question is, classify the following as chemical or physical changes. यहाँ पर आपको कुछ changes given है और आपको बताना है इनमें से कौन सा physical change है और कौन सा chemical change. Okay? So first change is cutting of trees. पेड़ों को काटना. क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? दिस इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ट्री को कट करने पर हम उसकी कॉम्पोजिशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे, उसे किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करवा रहे, राइट? तो ये एक फिजिकल चेंज है और कुछ समय बाद वो ट्री वापस से अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा जिससे हमने उसे काट दिया था, ठीक है? तो ये एक फिजिकल चेंज है. कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर को मेल्ट करना, क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? पहले बटर सॉलिड था, अब हमने उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करके मेल्ट कर दिया, अब वो थोड़ा फ्लोई हो गया है. तो क्या हमने उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज किया? नहीं, हमने सिर्फ उसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया जिसकी वजह से उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया. तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, दिस इज फिजिकल चेंज, क्योंकि वापस से वो मेल्टेड बटर को आप टेम्परेचर डिक्रीज करके सॉलिडिफाई कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा पे जो रस्ट लग जाता है, क्या वो फिजिकल चेंज है या फिर वो केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ अलमीरा इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि मान लो अलमीरा आपकी आयरन की है, आयरन जब मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो रस्ट बना लेता है और ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अब उस आयरन की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो चुकी है. वो आयरन और वाटर और एयर है, ये सब मिलकर रस्ट बना चुके हैं, एक नया सब्सटेंस बना है. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? वाटर को हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, वो पानी वेपराइज हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया. अब उस गैस को कंडेंस करें कि वापस से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हमने पानी की कोई केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं करी ना. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है? पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. हमने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट दे दिया और ये वाटर सेपरेट हो गया हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में. तो क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है? दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देने पर कुछ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल वाले से एकदम ऑपोजिट है, एकदम अलग है. सो दिस इज अ केमिकल चेंज, है ना? अब वाटर की केमिकल कॉम्पोजिशन वही नहीं रही, अब केमिकल कॉम्पोजिशन अलग हो गई है. वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन टू वाटर, कॉमन सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व कर दिया, क्या ये केमिकल चेंज है? ये तो फिजिकल चेंज है, दिस इज अ मिक्सचर, राइट? हमने पढ़ा था ना, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो एक मिक्सचर बनाता है. कॉमन सॉल्ट और पानी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, अभी भी नमक नमकीन ही है और पानी वैसा ही है जैसे था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया. तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं, दिस इज अ फिजिकल चेंज. क्लियर? मेकिंग फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट से आप फ्रूट सैलड बना रहे हैं, केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है? अब आप बोलेंगे कि हमने फ्रूट को काट दिया, अब वापस से आप उसी चीज को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, है ना? आपने फ्रूट को छोटे छोटे पीस में काट दिया, वापस से आप उसका फ्रूट नहीं बना सकते, तो ये तो भैया एक केमिकल चेंज होना चाहिए. नहीं, हम इन फ्रूट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ वो सब्सटेंसेस जिनको हम वापस से उसी फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते वही केमिकल चेंज होते हैं. ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता. जो हम फ्रूट से फ्रूट सैलड बना रहे हैं, हम फ्रूट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन में थोड़ा ना कोई चेंज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसे कट कर रहे हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है. क्लियर? बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर, पेपर और वुड को बर्न करने पर नए सब्सटेंसेस बनेंगे, ऐश और स्मोक, है ना, हीट और लाइट जनरेट होगी, तो ये एक केमिकल चेंज है. चीज़ क्लियर हो गई कि केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है
और फिजिकल चेंज वो जो पुराना सब्सटेंस है वही रहता है, बस वो शायद किसी और के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई सेग्रीगेटिंग थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। अपने आसपास कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल लिखने हैं इधर उधर देख कर के, प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं, मिक्सचर्स कौन से। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में आता है गोल्ड, सिल्वर, ये हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते थे? जिनका एक और सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट हो, जिसको आप किसी और कॉम्पोनेंट्स में तोड़ ही नहीं सकते, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस, सिल्वर इज अ प्योर सब्सटेंस, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, अनलेस एंड अंटिल उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, अगर इम्प्योरिटी है तो वो मिक्सचर है। ठीक है, सो गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉमन सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऑल द कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl है, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, बट ये सोडियम और क्लोरीन आपस में केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है, जिसको आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो NaCl कॉमन सॉल्ट भी आपका प्योर सब्सटेंस में आएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हो तो वो प्योर सब्सटेंस है, बस होना ये चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होने चाहिए, तो वो प्योर सब्सटेंस होता है। क्लियर। अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से कंबाइन, सिर्फ फिजिकली कंबाइन। मिक्सचर के एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि ग्रास, जैसे कि स्टोन्स, जैसे कि सैंड, है ना, सॉइल सबका मिक्सचर होती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब मिलकर एयर बनाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिक्सचर है, उसमें लिक्विड और एयर दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे आसपास के कुछ एग्जांपल्स प्योर सब्सटेंसेस के और मिक्सचर के। पेज 24 पे सिर्फ दो ही क्वेश्चंस थे और वो दोनों कर लिया हमने डिस्कस, और इसी के साथ हमारे सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के हो चुके हैं कवर। अब बचते हैं सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और हम अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे फिर टिश्यू। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।